अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर अपने एक विशेष बयान को लेकर चर्चा में बन गए हैं और इस बार उनके बयानों पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयानों को लेकर सदैव चर्चा में बने रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा अपनी चिर परिचित शैली में की जाने वाली बयानबाजी को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने इस बार किसी छोटे मोटे नेता को लेकर नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसा है। सज्जन सिंह वर्मा ने बांग्लादेश के वर्तमान हालातों की तुलना भविष्य के भारत से कर दी है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, दो दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। तो साथियों, मैं अनुरोध करता हूँ, भ्रष्टाचार से नहीं होगा, गरीब पे अन्याय से नहीं होगा, मातृशक्ति पे अन्याय से नहीं होगा। यदि अन्याय करोगे बीजेपी के लोगों, तो ये जन सैलाब कैलाश तुम्हारे घर में भी घुसेगी। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। साथ ही उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी तंज कर दिया है। अब भला मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कब खामोश बैठने वाले थे, उन्होंने भी कांग्रेस नेता की तुलना किस तरह की है, आप स्वयं सुन लीजिए। हनुमान जी के बटवान के बोले भारत माता की, क्या बात है। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खलमल मचर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है, ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा? पता नहीं कैसे बोल देने की यहाँ पर हालत हो जाएगी। बोलिए भाई।